और सीन यही है कि अभी सब शो में जो थे उन सब की डेथ हो चुकी है। फाइनली बचते हैं अभिमन्यु, गीतांजलि, गौरव और राजवीर, काव्य और राजवीर। तो अभी ऋषभ की अस्थियां हम लोग यहाँ पे विसर्जन करने आए हैं। तो ये सीन अभी मारा। हाँ, काफ़ी चीज़ें हुई बीच में, सीन गया जहाँ पे बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें उस ऋषभ की मौत हुई है। और देखा जाए तो ऋषभ भी अपने पर्सपेक्टिव से ठीक था, क्योंकि उसे प्यार से ज़्यादा, बहुत से लोग होते हैं जिनको प्यार से ज़्यादा परंपरा, प्रतिष्ठा, इन सबको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और अभिमन्यु गौरव जो थे वो हमेशा उन्होंने प्यार को वैल्यू किया है, जिस वजह से अभिमन्यु अपने फैमिली के खिलाफ भी गया था कि नहीं, मैं गौरव से प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। फिर बीच में आदित्य आता है, वो सारा क्योस खड़ा करता है। अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है। हाँ, ख़ानदानी दुश्मनी हो थी पहले, जिस वजह से सब कुछ हुआ था गीतांजलि की लाइफ में, अभिमन्यु की लाइफ में, जो 6 साल एक दूसरे से दूर रहे, इतना सब क्योस हुआ, जुदाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन फाइनली अब कहते हैं ना कि अब जब अंत है तो, और जब जो इंसान चला गया है यहाँ से, तो उसके बारे में दिल में कोई रंजिश रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग खुद उसकी अस्थियाँ विसर्जन।